हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रन थ्रू ऑफ चैप्टर 15. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग कंपोजिट फिगर्स. फिगर्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे. इसके लिए आपको जो कंप्लीट यूनिट है इसमें वो लेनी है, यानी कंप्लीट जो बॉक्स बन रहे हैं वो, मोर देन हाफ है वो, लेस देन है वो, और जो एग्जैक्टली हाफ है वो सब आपको नोट करके तब एरिया फाइंड आउट करना होता है. अब इसमें देखिए, पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट फिगर है, कंप्लीट बॉक्स है, वो कितने हैं. ठीक है, वो काउंट कर लेते हैं हम. अब यहां से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. यहां तक हमारे पास 15 हो गए हैं. ओके, अब आगे देखते हैं. ये हाफ है, ये लिया हमने 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. तो कंप्लीट हमारे पास कितने हो गए, ये 27. कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 27. दैट इज इक्वल टू 27. सेंटीमीटर में लेना तो सेंटीमीटर में लेंगे, अदरवाइज यूनिट स्क्वायर. देन अब आप हाफ वाले देखते हैं हम. अब हाफ में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिक्स हाफ है, हाफ स्क्वायर बॉक्स दैट इज इक्वल टू 6. अब जब हाफ स्क्वायर बॉक्स होते हैं तो इसको आप कंप्लीट में जब कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 6 / 2 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट स्क्वायर. अब टोटल यही होगा इसका. एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ फिगर दैट इज इक्वल टू 27 + 3 = 30 यूनिट स्क्वायर. ओके, देन बी पार्ट में देखिए, बी में भी आपको ऐसे करना है. अब इसके साइड बाय साइड मैं इधर नोट कर दूंगी. कंप्लीट स्क्वायर के लिए आप इसको अलग से करेंगे. अब इसमें कंप्लीट देखते हैं हम. यहां से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो कंप्लीट फिगर कितने हो गए, 20 यूनिट स्क्वायर. ये कंप्लीट बॉक्स हो गए. देन हाफ देखते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये हमने किया था या नहीं किया था ये मैं भूल गई हूं. चलिए फिर से कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये टोटल कितने हो गए, 10. लेकिन 10 हाफ बॉक्स है, ये हाफ है. अगर 10 के अगर आपको फुल बॉक्स बनाने तो 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट. और टोटल एरिया कितना हो गया फिर, टोटल 20 + 5 दैट इज इक्वल टू 25 यूनिट स्क्वायर. ओके, ऐसे आपको ये करने हैं. देन सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है. ये वाला बच्चे आप अपने आप से नोट करेंगे. ओके, तीनों फिगर में सेम नोट करना है. अब सी के लिए देखिए, पहले कंप्लीट जो हमारे पास बॉक्स है वो देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये हमारे पास 20 हो गए. देन हाफ देखते हैं अब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हमारे पास 8 हो गए. अब 8 हमारे पास क्या है, ये 8 है हाफ स्क्वायर. जब इसको आपको फुल में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट स्क्वायर. और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 20 + 4 = 24 यूनिट स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राहुल रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर. राजू रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ
55 meter, who covers more distance and how much more? In this question, we have to find out perimeter. Kaise? Rahul runs around a square park and a rectangular park. Around means along the boundaries वो run कर रहा है, तो आपको बताना है कि किस में ज्यादा distance वो cover करेगा. तो उसके लिए हमें perimeter find out करना होगा. So first we will note side of square park equal to 100 meter, then perimeter of square park will be equal to distance covered in one round, that is equal to 4 into side, 4 into 100, that is equal to 400 meter. Then length of rectangular park equal to 70 meter, breadth of rectangular park equal to 55 meter, then perimeter of rectangular park equal to 2 into L plus B. This is formula to find out perimeter, that will be equal to 2 into 70 plus 55, that will be equal to 2 into, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट 250 मीटर. नाउ यू कैन टेल इन विच ही कवर्ड मोर डिस्टेंस. ओके, एक राहुल है और एक राजू है हमारे पास. ओके, तो कौन, किसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है? एक ने 400 किया है, दूसरे ने 250 मीटर किया है. तो ये किसके लिए है? ये राजू के लिए है और ये हमारे पास राहुल के लिए है. इसमें हम करते हैं राहुल कवर्स मोर डिस्टेंस and how much more, then we will subtract 250 from 400, that is equal to 150 meter. This is our answer. Now question number 3, find the number of square tiles of side 6 cm needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are 9 meter and 12 meter, 8 meter and 9 meter. Number of tiles we have to find out. सो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर टाइल है ये, इसका एरिया निकालेंगे वन टाइल का एरिया, और एरिया ऑफ, अब देखो एरिया निकालना होगा आपको इसमें, क्योंकि टाइल्स कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है. 9 मीटर एंड 12 मीटर ये रेक्टेंगल है दो हमारे पास, इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे, वन टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी. सो इसमें हम नोट करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू 6 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन ए पार्ट में लेंथ of rectangular region equal to 9 meter, breadth of rectangular region equal to 12 meter.
नाउ एरिया, अब इसमें हमें एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और इधर क्या है मीटर, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में. 1 meter इक्वल टू 100 centimeter, सो 9 meter इक्वल टू 9 into 100 इक्वल टू 900 centimeter. सेम इधर करेंगे, 1 meter इक्वल टू 100 centimeter, 12 meter इक्वल टू 12 into 100 इक्वल टू 1200 centimeter. नाउ एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 900 into 1200, 108, आफ्टर दैट 12340 centimeter square. नाउ नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल, दैट विल बी इक्वल टू 108, आफ्टर दैट 40 डिवाइड बाय 36. इसको हम जब कट करेंगे तो ये 3 से कट हो जाएगा, 36 3 जा, दैट इज इक्वल टू 30,000 tiles. ओके, अब सेकेंड पार्ट में भी आपको सेम ऐसे ही करना है. इसमें ये आप अपने आप से करेंगे लेंथ ब्रेथ और ये चेंज करना. मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ टाइल्स आपको बताती हूँ बी पार्ट के लिए, ये आप अपने आप से करेंगे, इतना एरिया अपने आप फाइंड आउट करेंगे. नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल. एरिया ऑफ रीजन हमारे पास क्या होगा, 8 meter है ये, तो 800 meter हो जाएगा इंटू 900, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, डिवाइड बाय 6 into 6. ये मैंने लिया है, ये 6 साइड, इसकी एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड. अब इसको कट कर लेते हैं हम, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, ये यहां से 200 आया. अब इसको जब हम कट करेंगे तो 3, यहां से 300 आया, फिर से किया तो ये 100, 200 इंटू 100, देन वी विल गेट 20,000 tiles. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वॉलीबॉल नेट इज 1 meter वाइड एंड 10 meter लॉन्ग, व्हाट आर द पेरिमीटर एंड एरिया ऑफ द नेट. फर्स्ट पार्ट ये हो गया, देन इफ इट इज डिवाइडेड इंटू 2 halves अलोंग इट्स लेंथ, मीन्स जो भी है आपके पास जो नेट है, अगर उसको आप 2 equal parts में डिवाइड कर देते हैं, व्हाट विल बी द पेरिमीटर एंड द एरिया ऑफ ईच हाफ. मान लो ये हमारे पास नेट है जिसमें ये 10 meter लॉन्ग और ये 1 meter वाइड है, उसके बाद क्या किया है इसको हाफ कर दिया गया है. जब हम हाफ करेंगे तो ये टोटल 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 meter और ये भी 5 meter. तब भी आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है. सो इसमें देखते हैं हम, लेंथ ऑफ नेट इक्वल टू 10 meter, विड्थ ऑफ नेट इक्वल टू 1 meter, देन पेरीमीटर ऑफ नेट विल बी इक्वल टू 2 into length plus breadth. 2 length is 10 breadth is 1, that is equal to 2 into 11 equal to 22 meter. Then area of net will be equal to length into breadth, 10 into 1 equal to 10 meter square. यूनिट का याद रखिए, इसमें मीटर स्क्वायर होती है, उसमें मीटर होती है. देन when net is divided
या फिर हाफ कर लीजिए इसमें, नेट इज हाफ्स, देन लेंथ ऑफ नेट इक्वल टू 10/2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, विड्थ एज इट इज रहेगी 1 मीटर, देन एरिया ऑफ नेट, ईच पार्ट कर देती हूँ इसमें क्योंकि ईच बोला हमें, ईच पार्ट ऑफ नेट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 5 × 1 इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, देन एरिया फाइंड आउट करना है हमें, एरिया के लिए सॉरी एरिया तो हमने फाइंड आउट कर दिया, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट ऑफ नेट दैट विल बी इक्वल टू 2 × लेंथ + ब्रेथ, 2 × 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 × 6 = 12 मीटर, दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, शेप्स की आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, सो उसके लिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. इसमें हम क्या करते हैं, ए बी सी डी ऐसे कर लेते हैं, ए बी सी डी ई सभी में कर लेते हैं ये, ताकि इजीली फिर ये सॉल्व हो सके. अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी प्लस ई ए. ओके, ये ए इस वाला है पॉइंट. अब इसमें देखिए, पेरीमीटर जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये जब ये 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी 10, सी डी 9, ई डी, ई डी देखो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, 10 प्लस ई ए 4, इनको ऐड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर. देन बी पार्ट में करते हैं, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, 18 + 20 + 10 + 5 + 10, दैट इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 63 सेंटीमीटर. देन सी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू ए बी, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान हमें देना होगा, ये ए बी कैसे आएगा हमारे पास, टोटल ये 65 है तो इसके अपोजिट ये भी कितना होगा 65. ओके, अगर इसमें और पॉइंट आप लेना चाहते हो ई एफ वो भी ले सकते हो. सो इसको कैसे करेंगे फिर, ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, दैट विल बी इक्वल टू 18 + 65 + 18 + 23 + 65 + 23. इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 212 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड, 4 स्क्वायर्स विद ईच साइड एज 5 मीटर आर रिजर्व्ड फॉर पार्किंग फॉर ऑफ व्हीकल्स एट 4 कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पार्क दैट कैन बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग. देखिए रेक्टेंगुलर पार्क है हमारे पास, इस रेक्टेंगुलर पार्क में क्या किया, जो कॉर्नर है इसके ऊपर स्क्वायर पार्क, ईच साइड जिसकी 5 सेंटीमीटर है वो पार्किंग के लिए है,
5 सेंटीमीटर सबकी। आपको फाइंड आउट करना है कि जो ये रिमेनिंग एरिया है वो कितना है और इसका पेरीमीटर कितना है। रेक्टेंगुलर में 50 मीटर लॉन्ग, ये 50 मीटर है। अब यहां से आपको एक चीज सोचनी होगी कि जब ये 5 मीटर है तो ऑल साइड 5 होगी। यहां से ये हमारे पास कितना आएगा, 50 माइनस, अगर सिर्फ हमें ये लेना है तो ये कितना होगा, 50 माइनस 5 प्लस 5 10, दैट इज इक्वल टू 40। ये 40 आएगा। सेम ये इधर भी आपको ऐसे ही करना होगा, ये 24 है, 24 माइनस 10 करना होगा, दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं। फर्स्ट वी विल नोट लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू 24 मीटर, देन एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 50 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 120, 24 इंटू 5 करेंगे 120, आफ्टर दैट 1200 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया पार्क का। अब एरिया ऑफ ईच, ये जो कॉर्नर में स्क्वायर है इसका करेंगे हम, साइड ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव 4 स्क्वायर्स, सो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास एरिया कितना आएगा, एरिया फॉर प्लेइंग। आपको पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड आउट करना है, सो एरिया यहां से क्या आ जाएगा, एरिया फॉर प्लेइंग दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पार्किंग, दैट विल बी इक्वल टू 1200 माइनस 100 इक्वल टू 1100 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट पेरीमीटर। सो पेरीमीटर के लिए देखिए, 50 है इसके अपोजिट में ये 50, ये 14 है इसके अपोजिट में ये भी 14। ओके, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, अब इसमें मैं डायरेक्ट कर रही हूं, ये हमारे पास कितना है, ये वाले 40 प्लस इधर ये कितना आएगा 14, लेकिन और भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, 14 प्लस 50 प्लस 14। ये वाला हमारे पास कौन सा आया, ये सिर्फ ये वाला पार्ट आया, मैं इसको एक थोड़ा सा शेडेड करती हूँ, हमने सिर्फ ये लिया है। जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्रीज, मीन्स अब क्या बचिए हमारे पास, ये देखो ये और ये, इधर ये और ये, ठीक है, इधर भी है और ये भी रह गया, तो इन सब को भी हमें ऐड करना होगा। ये कितना होगा, प्लस 5 प्लस 5, मैं क्या करती हूँ 5 प्लस 5 करके, ये 5 ये 5, कितने बार हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इनटू 4 कर देती हूँ। ओके, अगर आप नहीं करना चाहते तो 5 प्लस 5 जितने टाइम्स भी ये हमारे पास, ये सब आपको नोट करना होगा। फिर अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या आता है, ये 50 नहीं है सॉरी, ये 40 है हमारे पास, 40 रिमेनिंग बताना है ना, ये वाला 40 था, ये 40 प्लस 40 80, 14 प्लस 14 28 प्लस इधर 5 प्लस 5 10, 10 इंटू 4 40, देन वी विल गेट 148
meter. Now question number 7. Find the area of shaded part. Shaded part का area find out करते हैं. So इसमें पहले हम देखिए हमारे पास ये इधर given है, length और breadth note करते हैं. एक हमारे पास outer rectangle है, एक inner है. दोनों का area find out करेंगे और subtract कर देंगे. अगर आपको length और breadth note करनी है तो करिए, otherwise direct आप area भी find out कर सकते हैं. Length of outer rectangle equal to 18 centimeter, breadth of outer rectangle 14 centimeter, area of outer rectangle length into breadth, that is equal to 18 into 14. 252 centimeter square. Then length of inner rectangle equal to 12 centimeter. देखिए नोट कर दिया मैंने, breadth of inner rectangle 8 centimeter, area of inner rectangle will be equal to length into breadth, that is equal to 12 into 8. 96 centimeter square. Then area of shaded part will be equal to area of outer rectangle minus area of inner rectangle. 252 minus 96. 12 minus 6, 6. 14 minus 9, 5. 1. 156 centimeter square. Now question number 8. What happens to the area of a rectangle if its length is doubled and breadth is reduced to half? So इसमें देखिए ऐसे करते हैं, length हम L लेते हैं, length of rectangle, इसमें let करते हैं, let length of rectangle equal to L, breadth equal to b. ऐसे हमने लिया ये. अब एरिया यहां से हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ. ओके, अब ये यूनिट लेते हैं, यूनिट क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है. अब इसने क्या बोला है, इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, तो इसमें डबल करते हैं, when length is doubled then length will be equal to 2 into length, double means 2 into L ho gaya. When breadth is half, जब हाफ की जाती है तब हमारे पास ब्रेथ क्या होगी, b बाय टू. ओके, ये हाफ कर दी हमने. देन यहां से एरिया हमारे पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 2l इंटू b बाय टू. यही तो होता है, लेंथ हमारे पास क्या ली हमने, 2l और ये b बाय टू, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया, lb यूनिट स्क्वायर. जो फर्स्ट है उसमें भी हमारे पास ये था और सेकंड में भी हमारे पास सेम आया. ओके, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एरिया विल बी सेम व्हेन लेंथ इज डबल्ड एंड breadth is reduced to half. Okay, ये आप कर दोगे इसमें. Now question number 9. Three similar triangles are used to form a figure. Each rectangle has a length of 4 centimeter and breadth of 2 centimeter.
फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब इसमें देखिए ईच में ये बोला गया है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की, 4 and 2 centimeter। ये इधर लेंथ 4 centimeter, तो इधर ये 4 centimeter हो गया, और ये 2 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter, 2 centimeter, ये 2 centimeter, तो ये भी कितना होगा 2 centimeter। अब हमारे पास जब एक एरिया आ जाएगा लेंथ रेक्टेंगल का, उसको इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 3 रेक्टेंगल है इसमें, तो एरिया आ जाएगा, और पेरीमीटर में ऑल साइड्स जो ये हमारे पास है मेजरमेंट, इनको ऐड कर देंगे। देखते हैं लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल इक्वल टू 4 centimeter, ब्रेथ ऑफ ईच रेक्टेंगल 2 centimeter, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 4 into 2 इक्वल टू 8 centimeter स्क्वायर, देन एरिया ऑफ 3 rectangle, क्योंकि 3 rectangle है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर विल बी इक्वल टू 3 into 8, 24 centimeter स्क्वायर। देन पेरीमीटर ऑफ फिगर देखिए ऐसे नोट करके तब आपको करना है, अगर आप रेक्टेंगल लेके करेंगे तो पक्का गलत करके आएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल लोगे तो ये वाली साइड भी इंक्लूड होगी और फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां से लेते हैं हम ये पॉइंट लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, सबका सम करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए, दैट विल बी इक्वल टू 4 plus 2 plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 plus 2। ये हमारे पास हो गया, आई होप सभी मैंने नोट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखते हैं 4 4 4 4 3 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 centimeter, दिस इज आर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डायग्राम शोज द फ्लोर प्लान ऑफ अ 5 meter by 4 meter रेक्टेंगुलर बेडरूम। बेडरूम का ये हमारे पास फिगर गिवन है, द शेडेड पार्ट आर द फ्लोर एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द फर्नीचर, बेड डेस्क काउंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड। आपको जो ये रिमेनिंग एरिया वो फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रूम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ बेड डेस्क और काउंटर इनका एरिया उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इसमें नोट करते हैं हम, लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 5 meter, ब्रेथ ऑफ रूम 4 meter, एरिया यहां से क्या होगा, एरिया ऑफ रूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 into 4 दैट इज इक्वल टू 20 meter square। देन एरिया ऑफ, मैं डायरेक्ट नोट कर रही हूं, एरिया ऑफ डेस्क इक्वल टू, अब इसमें क्या है 1 into 1 स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 1 meter square। एरिया ऑफ काउंटर, रेक्टेंगल है ये हमारे पास, 3 by 1 है, तो 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 3 meter square। देन एरिया ऑफ बेड दैट इज इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू 2 meter square। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर नॉट ऑक्यूपाइड बाय फर्नीचर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम माइनस, इसमें से आपको ये सारा नोट करना होगा, एरिया ऑफ बेड प्लस एरिया ऑफ काउंटर प्लस एरिया ऑफ
डेस्क दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस, सबको ऐड कर लेते 1 प्लस, अब इसमें ये देख लेना एरिया ऑफ बेड पहले लेना आपको, दैट इज 2, एरिया ऑफ काउंटर 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 6, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. देखिए जब भी इस टाइप से फिगर होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आपको क्या करना होता है, जब भी एरिया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको टू रेक्टेंगल दिख रही है इसमें, इसमें हम लेते हैं ये वन ये सेकेंड. ओके, जब पेरीमीटर इसका हम देखेंगे तो पेरीमीटर में आप सम ऑफ ऑल साइड करिए. अब जो आपके पास नहीं है वो आपको नोट कर लेनी है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये वाला कितना होगा 7 होगा, 3 7 4 3 11, ये वाली नहीं है तो इसके अपोजिट ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर. ओके, अब ये वाले आपको नहीं लेनी है क्योंकि ये विद इन द फिगर है, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है. अब इसमें पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, एरिया ऑफ फिगर 1 दैट विल बी इक्वल टू 11 इंटू 3 इक्वल टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ फिगर 2 दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ होल फिगर दैट विल बी इक्वल टू, अब इसमें ये आप अपने आप से नोट करना है, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस 2, 33 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ पेरीमीटर में देखिए, पेरीमीटर ऑफ फिगर दैट विल बी इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं हम नोट करना, अगर ए बी सी डी आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए, इन सबको हम ऐड कर देंगे, 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10 और एक 11, ये हो जाएगा हमारे पास 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. नाउ बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में भी आपको पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें डायरेक्ट करते हैं हम, ठीक है, एरिया ऑफ आप अलग अलग करिए, एरिया ऑफ फिगर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 दैट विल बी इक्वल टू, इसमें देखते हैं एरिया ऑफ फिगर 1 क्या होगी हमारे पास, ये टोटल 10 है, ये इधर रेक्टेंगल है तो 10 इंटू 3 प्लस ये स्क्वायर है 4 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 3 30 प्लस 16 प्लस 30 30 प्लस 30 60 70 76 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ पेरीमीटर, अब पेरीमीटर में देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये 10 है टोटल, ये 3, ये वाला हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है. ओके, तो देखिए ये टोटल हमारे पास 10 है, यहां से अगर 4 माइनस करेंगे तो जो ये रिमेनिंग है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6, या आप इसको 3 इधर लीजिए 3 इधर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं. ओके, 3 इधर 3 इधर, बाकी सारा हमारे पास है. अब इसमें पेरीमीटर में देखिए करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, 3 प्लस 3 प्लस ये वाला कितना होगा, ये 4 होगा, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस
10. ओके, अब इन सबको ऐड करेंगे तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 ही हमारे पास ये हो गया और 2 बजेगा देन 52 सेंटीमीटर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.